हीरो अब तुम मेरे हाथ लग गए हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हीरो नो सारा डोंट। क्या कर रही हो तुम? रुको, लाओ वो अंगूठी। जारा मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं एक और दोस्त नहीं खोना चाहता हूं, वो लेजर भी मैं। यहां पर कोई खतरा नहीं है, आप सब सेफली बाहर जाइए। और हाँ, जाने से पहले सबको बता देना अपना हीरो वापस आ गया है। कहाँ हो? अच्छा एक काम करता हूं, मैं नीचे आके सबको सेफली बाहर निकालता हूँ, आराम से आ जा। ओके आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए। देखिए, ट्रस्ट मी, आप लोग सब सेफ हैं, ओके? प्लीज गो, जाइए। सारा, कहाँ हो तुम? कमिंग। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये जो द्वारका जी है, ये वही वाले हैं ना, शिव जी वाले? मैंने ना बचपन में टीवी सीरियल में देखा था, भगवान कार्तिक ने तो मार दिया था इन्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उन्हें उनके नाम से पुकार रहे हो, वो असुर श्रेष्ठ है, असुर श्रेष्ठ। हाँ ठीक है, होंगे असुर श्रेष्ठ, ठीक है, पर है तो वही वाले ना। हमारे असुर श्रेष्ठ आने वाले मनवंतर के द्वारकासुर है। अच्छा क्या होता है मनवंतर? एक चक्र है, समय का चक्र, जिसे तुम लोग साल में नापते हो, 100 साल यानी एक सदी, और 1000 साल यानी मिलेनियम। पर ये होता क्या है मनवंतर? 30,67,00,000 30,000 साल यानी एक मनवंतर। फिर हर मनवंतर चक्र के बाद एक नया मनवंतर चक्र आता है। फिर से सातों ऋषि, मनु, इंद्र सब वापस दोबारा आते हैं। अगर वो दोबारा आते हैं तो उनके साथ हमारे असुर श्रेष्ठ भी दोबारा आते हैं। एक मनवंतर चक्र में अगर कार्तिक ने उन्हें हराया तो क्या हुआ? हमारे असुर श्रेष्ठ तो भविष्य के मनवंतर से लाए गए, वो जो अभी हुआ ही नहीं, वो
जो सब होने वाला था और मानव अंतर जो भविष्य में है। अब चलो यहां से। बहुत सही यार, नहीं मतलब ये फ्यूचर से है क्या? यहाँ सही कहानी बन रही है। नहीं, पहले अमल नंदा बनता है एलियन, एलियन बन के उसका नाम पड़ता है दंश, और जो तारकासुर है ये जिसमें अपना अंश डाल देता है वो इमोर्टल हो जाता है। यही तो बनना है रॉकी है, यही तो बनना है, पर ये हीरो कैसे बच गया समझ नहीं आ रहा है। मतलब दंश ने मारा ही नहीं उसको, मैंने मिसाइल मारी और बच गया। ये ना भी कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है। क्यों अंकल जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्यार से बोला तो रक्षा मंडल को सीरियसली लेने का, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? झूठ क्यों बोला? आई कहा करती थी मेरी कि झूठ बोलना पाप है। ये दो देवियां थी ना तुम्हारे पास, फिर बताया क्यों नहीं? मामा जी को प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम कहोगी छोड़ दो तो छोड़ देंगे, अगर छोड़ना ही था तो पकड़ा क्यों? पर ये जोश अच्छा लगा, ऐसा ही जोश चाहिए। ओए, इन दोनों को तो जानती हूँ मैं भाई, ये पिक लाइव पे वीडियो बनाती है, नाचती बहुत अच्छा है, बोलती है हमेशा पॉजिटिव रहना। ए, ज्यादा उम्मीद वाली शान पट्टी नहीं करने का, भीख मांगने का भीख। ए मामा समझा ना रे, सुना नहीं, भीख मांगो। ए छोड़ मेरी बच्चे को, छोड़ दे। मामा जी, अरे अंकल जी समझा करो, अभी नई भर्ती चालू है। वीर होता तो ये सब नहीं होता। वो रक्षा मंडल के गुंडे आए और उनको लेके गए उस शहर में जहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए। रक्षा मंडल, जब शहर बंद है अंदर कोई जा नहीं सकता तो फिर उन्हें कैसे भेजा गया? इसलिए तो भेजा, सारे जवान बच्चों को ले जाकर उनको भटकाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको बोलेंगे गलत रास्ता लेना है, बंद पड़े घरों को कैसे लूटना है ये सिखाएंगे, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें उनकी स्मगलिंग करवाएंगे। बेटा जो उस शहर में गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आ भी गए उनका दिमाग खराब हो चुका होगा, सब बर्बाद हो चुका है बेटा। और इनके बेटे के साथ भी वही हुआ बेटा, वही हुआ इनके बेटे के साथ भी। कौन है ये रक्षा मंडल? बेटा इतनी जोर से ना मत लो बेटा, अगर उनको पता चल गया ना वो सबको मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। आप डरिए मत, मुझे बताइए कहाँ है रक्षा मंडल? तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम उनका। आप डरिए मत, बस मुझे बताइए कि वो कहाँ मिलेंगे। बावला है ये लड़का, बता दो नहीं तो पूछता रहेगा। तुम जानना चाहते हो ना, वो रिलीफ कैंप में है, उस रिलीफ कैंप पे उन्हीं का कंट्रोल है, वही चला रहे हैं उनको, और मुंबई के लोगों को वहीं पे शिफ्ट किया गया है, और उसके लिए वहां से रास्ता जाता है। बेटा अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूं। आइए माता जी। चाहे प्रॉब्लम नेचुरल हो ये एलियंस की वजह से, लेकिन सबसे कमीने इंसान ही होते हैं। मुझे लगा था कि बंटू ज़ारा सूडी मिट्टी से मिलेगा बस, लेकिन अब लग रहा है कि तेरी ट्रेनिंग का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। यहीं से भागो, आप इनको ले लो। हाँ थैंक यू। हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। यस ओ ज़ारा होइस या बचाओ। एक हॉस्टेज अंदर रह गया। हाँ ज़ारा,
वीर होता तो भी यही करता, एक को भी अंदर नहीं छोड़ता, खुद अपने आप को मुसीबत में डालता और मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। मैं यहीं हूँ, ओके? थैंक यू, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। घबराइए मत, अब सब ठीक है, आप जल्दी से निकलिए। आइए यहां से। हाँ हीरो, गुरुदेव, डर यह है कि डांस की मृत्यु बहुत कठिन होगी, परंतु इसकी मृत्यु ही हर प्रश्न का उत्तर है। हमने ही दंश को बनाया है असुर श्रेष्ठ, हमसे अधिक ये बात कौन समझेगा। सबसे शक्तिशाली असुर भेजेंगे हम दंश को मारने के लिए, परंतु उसे यहां नहीं कहीं और मारना होगा। मुझे केवल मेरी अंगूठी चाहिए और एक धनुष जैसा पराक्रमी योद्धा चाहिए जो अंगूठी ला सके। मैं धन से अधिक शक्तियां प्रदान करूंगा। मैं ऑफ कोर्स मैं इस असुशेष को इंप्रेस करूंगा, फिर धनुष का काम नहीं। धनुष को मारना सही नहीं है क्योंकि उसको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है हीरो के। तो पहले धन से हीरो का पता लगाऊंगा और हीरो से ले लूंगा अंगूठी, और तार का सर मुझे कर देगा इमॉर्टल। मोरल ऑफ द स्टोरी, फूफा को जिंदा रहना है। तुम दोनों को ना घर का सामान बर्बाद करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए। कितने बेशर्म हो ना तुम लोग, बस एक बार यहां से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। देख, 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 अपन को ये सब चाहिए था बचपन से, पर नहीं मिला, जैसे तुझे नहीं मिला। इसलिए अपन को ना गरीब होने से बहुत नफरत है, जैसे तुझे है। देख, जो मांगने से नहीं मिलता ना उसे छीन देने का। आई कहती थी कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। स्वीटी, उसकी बातें मत सुनना प्लीज। ए, चुप कर। स्वीटी, स्वीटी। मैंने देखा तेरे को, तू इन लोगों जैसा नहीं है रे। मेरी बात मान, तेरी मदद मैं ही करेगा, सिर्फ मैं ही करेगा। बोल, करेगी अपन को जॉइन? दंज बेहाद हो चुका है, तुम्हारे शस्त्र उसे नहीं मार पाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसे निकटतम ग्रह पर ले जाओ और समाप्त कर दो। अब देखो, आपका भतीजा आपको बचाएगा। हीरो तो पकड़ा गया, परंतु तुम अदृश्य क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं, अब तुम मारे जाओगे। फिलहाल मैं भी तो देखूं कि तुम हो कौन। बहुत निराश किया तुमने मुझे। मुझे लगा कि हीरो कोई बड़ा योद्धा होगा, लेकिन तुम
अंगूठी कहाँ है? लोगों को यही होना चाहिए। क्या हुआ? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे तुरंत हेल्प चाहिए। कौन? किसे हेल्प चाहिए? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? सुन मेरी बात ध्यान से। रिजॉर्ट के अंदर गार्डन एरिया में तेरी फैमिली वहां है एंड दे आर इन ट्रबल। क्या बात कर रहा है? और सुन मेरी बात, तू उनके सामने नहीं आना चाहिए। अरे ये कैसी बात कर रहा है, उनकी हेल्प करूंगा तो उनके सामने तो आऊंगा ही ना। अरे यार जरूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे प्रॉब्लम के अंदर घुसना पड़े। दिमाग दिया ना भगवान ने, यूज कर, इसी दिन के लिए दिया। और एक असली हीरो वही होता है जो बिना सुपर पावर्स के अपना दिमाग यूज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो रिंग पहनता तो गायब हो जाता है ना, अब बिना रिंग पहने गायब होके दिखा। और बेटे लाल अगर तू उनके सामने आया मुझे पता चल जाएगा और फिर मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये ट्रिक एक दिन मैं सीख के रहूंगा। मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। बैठ, बैठ, प्लीज छोड़ दो। जल्दी हाँ बोल रहे बाबा। आई कहती थी जो ज्यादा सोचता ना वो कुछ नहीं कर पाता। बोल बोल, करेगी ज्वाइन? उसकी बातें मत सुनना, वो तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। स्वीटी मत कर प्लीज। क्या कर रही है स्वीटी? अरे यार जरूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे प्रॉब्लम के अंदर घुसना पड़े। दिमाग दिया ना भगवान ने, यूज कर, इसी दिन के लिए दिया। और एक असली हीरो वही होता है जो बिना सुपर पावर्स के अपना दिमाग यूज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसकी बात मत सुन, ये बेकार रहा तुझे। ये सब तेरे। बोल बोल जल्दी बोल। स्वीटी नो। नहीं स्वीटी नहीं। लारा, लारा प्लीज उठो। आलसी बहुत हो तुम। स्लैप किक खाइए कभी, मुंह तो खुला है, खा लो। थैंक यू ब्रो। चलो किसी ने तो हीरो को जिंदा रखा हुआ है। वैसे हीरो की हीरोइन है तो बड़ी अच्छी है ना बॉस। इसे कहते हैं किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना।
गुड लक गाइस। ये क्या हो रहा है? अरे हीरो आ गया, भागो, देखो हीरो आ गया। ए, ये सब लपेटो और भागो। हीरो आ गया, हाँ हाँ हीरो आ गया। मामा जी आप ठीक तो है ना? भागो भागो, देखो हीरो आ गया। तुम लोग ठीक हो? मामा जी आपको ज्यादा लगी है। स्वीटी मीठी, मामा जी ये सब मेरे सामने खड़े हैं, कैसे रुकूं अपने आप को इनसे मिलने से? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.